मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। ज्यादातर सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तारी के खिलाफ थे, मुझे बताया गया कई अधिकारी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे, ये उन्होंने दावा किया है। राजनीतिक दबाव में सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई का अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी, ये आरोप भी उन्होंने लगाया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बहुत बड़ा ये बयान सामने आया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो कि ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल दबाव था, इसी वजह से ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि अधिकांश जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे वो गिरफ्तारी के खिलाफ थे, लेकिन उन पर प्रेशर बनाया गया और इसी वजह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आधार क्या है, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर लगातार हम देख रहे थे बीते रोज से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा और खुद अरविंद केजरीवाल इसको लेकर कह रहे थे कि दरअसल केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और अब गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आना क्या संकेत है, क्या संदेश है, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधिकांश जो सीबीआई के अधिकारी थे वो गिरफ्तारी के खिलाफ थे। इस बीच सीबीआई का ये कहना है कि कोई प्रेशर नहीं था, दरअसल साक्ष्य छुपाने के आधार पर साक्ष्यों को नष्ट करने को लेकर जब मनीष सिसोदिया से सवाल किया गया और जो जवाब संतुष्ट नहीं मिला उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अधिकांश सीबीआई के जो अफसर थे वो गिरफ्तारी के खिलाफ थे, लेकिन उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है। हालांकि इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, लगातार छापेमारी की गई लेकिन कोई आधार नहीं है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसको लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये दावा।